देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और सबसे बड़ा फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है और फांसी की तारीख मुकर्रर की है 22 जनवरी। जी हां, कोर्ट ने 22 जनवरी सुबह 7 बजे चारों दोषियों को फांसी देने का फैसला सुनाया है। हालांकि अभी चारों दोषियों के पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है। फैसले से पहले ही निर्भया की मां ने उम्मीद जताई थी कि दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि जो होगा सही होगा, आज ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में उनकी कोई भी अपील पेंडिंग नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। तो उम्मीद है कि कोर्ट ऑर्डर कर देगा आज। मैम, कोर्ट ने भी बोला कि बहुत डिले हो चुका है इस केस में, 7 साल हो गए, अभी तक डेथ वारंट जारी नहीं करा। क्योंकि 1 साल से तो हम इसी चीज पे लड़ रहे हैं कि वो जो भी उनकी सरकारी रेमेडी है डालें करें, लेकिन आज के डेट में कोई अपील उनकी पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद है, मदर भी आई थी जिन्होंने अब यहाँ पे अपनी, जी जी जी, वो भी इसमें कुछ टाइम चाहती हैं कुछ। आप देखिए, 7 साल से तो मैं धक्के खा रही हूँ, वो आए, एक उनका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और लगता नहीं आपका केस जो कानूनी पेचीदगियों में अटका हुआ है 7 साल से, क्योंकि अभी भी 2 लीगल रेमेडी वो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि वो अटकाए हुए हैं, इसी रेमेडी के लिए हम साल भर से यहाँ लड़ रहे हैं। वो हम कभी नहीं कहे कि नहीं उनको उठाओ फांसी दो, हमने भी कहा कि सरकारी रेमेडी जो भी है उनका कोर्ट पूरा कराए। आज के डेट में कोई उनकी अपील पेंडिंग नहीं है, तो उम्मीद है कि कोर्ट ऑर्डर करेगी आज उनका। आज आपको क्या लगता है, आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है तो क्या आपके पक्ष में आएगा फैसला? बिल्कुल बिल्कुल आएगा।